स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। कोई आदमी कहे उड़ना है तो उसके पास साधन नहीं है, उड़ने का सिस्टम बॉडी में नहीं। हाँ, वो उड़ सकता है 6-7 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट। एक आदमी लंबी छलांग लगाता है, थोड़ी देर हवा में हुआ कि नहीं हुआ, उसने भी उड़ने के लिए हाथों का और छलांग लगाई, लेकिन उसके पास साधन इतना ही है। अगर वो कहे यहाँ से उड़ करके पहाड़ पर जाए, नहीं जा सकता है, साधन ही नहीं है। इसलिए पंचमुद्राओं से साधक काल पुरुष के दायरे में रहेगा, अमर लोक नहीं जा पाएगा, सतलोक नहीं जा पाएगा। यह संसार काल को देशा। सर्वगुण भक्ति तो भौतिक पूजा है, निर्गुण भक्ति वो भी अंदर में देख रहे हैं, पंचमुद्राओं तक सीमित है। या तो तीसरे तिल में ध्यान रोकेंगे या आज्ञा चक्र में ध्यान रोकेंगे, सबकी एक ही कहानी है। या तो बंकनाल में जाकर ध्यान रोकेंगे या तो दशम द्वार पर जाएंगे, वो भी दशम द्वार कोई हंसी खेल नहीं है। बहुतों से पूछा दशम द्वार क्या है, उनको पता ही नहीं है। और बंधुओं, या तो फिर सहस्त्र सार में जाकर ध्यान रोकेंगे, इन्हीं पंचमुद्राओं में उलझेंगे। साहब साफ साफ कह रहे हैं ये पंचमुद्राएं काल पुरुष की है, यहां तक की क्रिया करने वाला काल निरंजन से पार नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों गुरु एक दिशा देते हैं बस, लेकिन सदगुरु तो तुम्हें पार कर देगा, सदगुरु पार कर देगा। सदगुरु जीव प्रमोद के तहन लगावे पार, वाह बहुत बड़ी बात है। इसलिए उसको इतना बड़ा दर्जा दिया गया। अरे भाई, माता पिता बोला जाता है, आदरणीय पूजनीय दोनों है। आप देखते हैं एक फर्नीचर बनता है, पलंग बना या सोफा सेट बना, नक्काशी करने वाला, पॉलिश करने वाला उसे तराशता है, सौंदर्य देता है, लेकिन मटेरियल लकड़ी का था। इस तरह आपके जिस्म की हड्डियां पिता का बीज हैं, इसको माँ के रज ने तराशा, नाड़ियों द्वारा, चमड़ी द्वारा, रोमों द्वारा, लेकिन माँ को ज्यादा दर्जा इसलिए दिया कि माँ ने पेट में आपको, जब आपका एक शुक्राणु था, उसे पोषित किया, जैसे धरती बीज को पोषित करती है, इसलिए धरती को भी माँ कहते हैं, और जन्म दिया। उसके बाद आपको एक ऊर्जा दी, जिससे दांत आने तक पूरा पूरा पालन किया, अपने पयोधर का दूध पिलाया, ये बाप नहीं पिलाया, इसलिए माँ को महात्म ज्यादा दे दिया। अगर माँ को ज्यादा महात्म दिया तो इसका एक कारण है कि माँ का रोल ज्यादा रहा, इसलिए माता पिता कहा जा रहा है। पहले बड़े का नाम लिया जाता है ना, भाई राम लक्ष्मण कहा जा रहा है या लक्ष्मण राम कहा जा रहा है? राम लक्ष्मण, राम जी बड़े थे, लक्ष्मण छोटे थे। इसी तरह माता पिता कहा जाता है, पिता माता तो कहा नहीं जाता ना, माँ बड़ी है। साहब भी गुरु को बड़ा बोल रहे हैं, वो गुरु को बड़ा बोल रहे हैं। कितनी अच्छी साक्षी गवाही मिल रही है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु, आपने जिन गोविंद दिया दिशाए, कत्ते ही बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया। देखें, गुरु ने यथार्थ में बहुत ऊंचा दर्जा दिया। ये दर्जा साधारण नहीं दिया, क्या देते हैं गुरु, इतना ऊंचा दर्जा दे दिया। साहब ने तो वाणी में यहां तक कह दिया, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, झगड़ा ही खत्म हो गया। आप आ रहे हैं, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। थोड़ा सा देखते हैं, इतनी बड़ी महिमा गुरु की है, कैसा हो गुरु। अब साहब ने जब गुरु की इतनी बड़ी महिमा बोली तो पता है सरगुण वाले भी कह रहे हैं गुरु गोविंद से बड़ा है। नहीं, सरगुण गुरु गोविंद से बड़ा नहीं हुआ, निर्गुण वाले भी बोल रहे हैं गुरु गोविंद से बड़ा है। अपने हितों के लिए लोग साहब की वाणी को ले रहे हैं। आखिर क्या पहचान है उस गुरु की?
साहब यहाँ भी सावधान कर रहे हैं, गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु सोई जो तत्व विचारा। गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु सोई जो तत्व विचारा। बहुत गुरु है अजग माही, हरे द्रव्य कछ संकट नाही। वो पैसे के लिए, पेट के कारण करे गुरु आई। बहुत से गुरु है पेट पालने के लिए गुरु वाला बिजनेस कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। साहब यहां सतर्क कर रहे हैं, बहुत गुरु है अजग माही, हरे द्रव्य कछ संकट नाही। पेट के कारण करे गुरु आई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। गुरु के लक्षण कह दूं, सुनो धीर चित लाए। साहब कह रहे हैं सावधान रहना, बहुत लोगों ने बिजनेस बनाई हुई है, धंधा बनाया हुआ है पेट पालने का, इससे सतर्क रहना, सावधान रहना। और कह रहे हैं गुरु के लक्षण कहते हूं, सुनो धीर चित लाए। मुझसे एक आदमी ने एक बात पूछी, बोला महाराज आत्मज्ञानी या परमात्मा से पाए ज्ञानी पुरुष की क्या पहचान है? हम लोगों को तो पहचान नहीं है, सभी तो कह रहे हैं कि हमारा गुरु सबसे ऊंचा है, सभी तो कह रहे हैं कि बड़ी उपलब्धियां हैं और खासम खास हैं, शक्तिशाली हैं। हम कैसे जाने किस मत पर किस पंथ पर यकीन रखें? सभी अपनी अपनी महिमा गा रहे हैं। साहब ने तो ठीक ठीक कहा, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। नाना मत मतांतर, सभी अपने अपने गुरु की महिमा बोल ही रहे हैं। तो यहां साहब कह रहे हैं गुरु के लक्षण कहते हूं, सुनो धीर चित लाए। बोला गुरु के लक्षण बता रहे हैं। तो मुझसे पूछा आत्मज्ञानी के क्या लक्षण, मैं बोला सुनो, जो आत्मज्ञानी है या एक महापुरुष के लक्षण वाणी में नहीं आ सकते, लेकिन सुनो एक पहचान बता देता हूं। जो भी आत्मज्ञानी है वो भौतिक सुखों की तरफ कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, इंद्रियों के आनंद की तरफ नहीं जाएगा। वो ये जानता है इंद्रियों के आनंद के कारण से ही मैं आत्मा से दूर होता हूं, और आत्मानंद अनूठा आनंद है, जो उसमें रहता है उसे विषय आनंद फिर काटने लगता है। जैसे वैष्णव मांस कभी नहीं खा सकता, इसी तरह जो अध्यात्म आनंद आत्मज्ञानी है वो विषय आनंद में नहीं जाएगा। इसलिए चेक करो इंद्रिय आनंद में तो नहीं उलझा हुआ है। ए मैन कैन फूल टू पीपल सच टाइम बट नॉट ऑलवेज, कोई किसी को लंबा टाइम तक बेवकूफ नहीं बना सकता है। देखो उसकी इंद्रियां कितनी चंचल है, कितनी कंट्रोल में। क्यों? मन के दो रूप हैं, स्थूल में शरीर और इंद्रियां मन है, इसलिए सूक्ष्म में तो आप पहचान नहीं पाएंगे ना। स्थूल में तो पता चल रहा है ना, इसलिए आत्मज्ञानी को नापने का पैमाना है उसका इंद्रियों पर नियंत्रण कितना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर संयम कितना है। जिस पर भी साहब ने कह दिया उसे चेक करना, वो कभी विषयानंद की तरफ नहीं जाता है, वो जीभ को अधिक स्वाद नहीं देगा, आंखों पर नियंत्रण होगा, सादगी की जिंदगी होगी। ऐसे सादगी वाले काफी मिल जाते हैं, लेकिन एक आत्मज्ञानी का रहन दहन अलग है। आगे कह रहे हैं गुरु के लक्षण कहता हूं, सुनो धीर चित लाए। कह रहे हैं भाई गुरु के लक्षण बोलता हूं, ध्यान से सुनो। प्रथम निर्वासना, भाई गुरु कभी विकार कर विषय न करे। आपके लिए एक मर्यादा, आपके लिए एक नियम, एक नारी ब्रह्मचारी भक्त के लिए यह नियम है कि पराई स्त्री गमन नहीं करना। ये संस्कृति, ये धर्म, ये भक्ति पर स्त्री गमन पर बैन लगाती है। इस धर्म में भी ये व्यथा थी, अगर पुरुष पर स्त्रीगामी हो जाता था उसे विभिचारी कह के बराए देते थे, अगर स्त्री विभिचारिणी हो जाती थी तो उल्टा कह के उसे समाज से बराते थे, उसके साथ न तो बैठकर खाते थे न बातचीत करते थे, उसका मुख भी नहीं देखते थे, इतना स्ट्रिक्ट था हमारे धर्म में। आपके लिए तो ये मर्यादा है,
एक नारी ब्रह्मचारी, अपनी पत्नी तक रहना। इतर स्त्रियां जो संसार की हैं आयु के अनुसार माता बहन पुत्री के समान, लेकिन जो गुरुजन है उसके लिए है वो बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी क्यों? इसके पूर्व संस्कार भी उत्तम थे इसलिए प्रारंभ से ही वो ठीक था। दुनिया को मैं देख रहा हूं, 10-10 बच्चे करके जब बुढ़ाए गए, गर्दन हिलने लगी, अब सन्यासी हो गए। वो तो सन्यासी ऑलरेडी हो जाएगा। फिर भरियो भन में शीलवंत कोई होए तो होए। अरे भरियो भन में शीलवंत हो, वो तो शीलवंत है। अनप्राप्त तजे से क्या तजिया, जो प्राप्त तजे सो त्यागी है। औरों का गाया क्या गाया, जो अपना गाए वो रागी है। अगर गुरु बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो सन्यासी तो हो कम से कम, दुनिया छोड़ चुका हो। मुझे लोगों ने कहा कि महाराज सभी महात्मा ने, संतों ने शादी की, नानक देव जी ने भी, फलाने बोलते हैं। मैं कहता भैया सुनो, जब नानक देव जी महाराज दुनिया का कल्याण करने निकल गए तो ना जनानी साथ ले गए थे ना बच्चे, वो अकेले निकल गए, महापुरुष थे। और देखो जब गद्दी देनी थी, भाई लहणा जी अंगद देव जी महाराज को दे गए, अपने दो पुत्र थे उनको दिया ही नहीं। बलिहारी इस कलयुग की, गुरुजी गद्दी बेटों को देकर जा रहा है। साच कहो तो मारंदाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। नाना मत मतांतरों की देखो यही काम कर रहे। जब गुरुजी का मोह नहीं छूटा, लोभ नहीं छूटा, विकार नहीं छूटे, तो आपका क्या छुड़ाएगा? अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंधे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ाए। मेरी ये बातें चुभती है दुनिया को। मैं निंदक नहीं हूं, आलोचक भी नहीं हूं। कुछ लोग देखते हो दूसरे के विरोधी ही बोलते रहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात, लेकिन कम से कम गुरुत्व का लक्षण तो बोलना पड़ेगा ना। साहब ने कहा तन मन वाको दीजिए जाके विषया ना आए। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोए थे मेल न जाए कोए। ग्रस्त गुरु कभो न कीजिए, साहब कह रहे कभी नहीं करना, इनको दूर ही तज दीजिए। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोवते मैल न जाए कोई। जब वो काम क्रोध लोभ मोहंकार के अंदर चक्कर काट रहा है, इन्हीं तो बांध रखा है, तो आपको क्या मुक्त कराएगा? अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंधे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को पराए, कबीरा दोनों को पराए। इसलिए गुरु निर्वासना हो इस दुनिया को हजार सलाम। गुरुजी को बेटा होता है, संगता लख लख बधाइयां देती है, जहमत या बधाई। गुरुजी ने विषय विकार किया तभी तो बेटा हुआ ना, पर कलयुग में ये सब चीजें चल रही है। इतिहास को उठाकर देखो, जितने महापुरुष हुए जब दुनिया का कल्याण करने निकले तो नंगे पैर चल पड़े, उन्होंने कोई वैभवशाली जीवन नहीं जिया। दूसरा निर्बंधन, उसका कोई लिंक नहीं हो घर द्वार से। अगर वो त्यागी त्याग लेगा, लिंक नहीं हो, नहीं तो वो पूरा रुपया उठाकर उधर ही लगाएगा। वो पूरा पैसा उठाकर उधर ही लगा देगा। ये माया है चूड़ी और चूड़न की जोए, बाप पुत और जाय के ये संग न काहू के होए। नानक देव जी मोदी खाने में काम किए, साहब ने चरखे का बात बताई, रविदास महाराज जूती काट करके अपना काम चला रहे थे। देखा किसी का धन, राजा पीपा जैसी शिक्षित थे, उनके शिष्य थे, उन्होंने उनसे कुछ नहीं लिया। तुकाराम जी के पास छत्रपति शिवाजी जैसी विभूतियां थी, किसी से नहीं लिया। लकड़ी काट के आके तुकाराम जी अपनी रोटी खाते थे, ठीक है। पलटू साहब सूत काटते थे, जबकि राजा महाराजे उनके शिष्य थे। एक महात्मा लग्जरी लाइफ जीता ही नहीं है, वो तो सादगी में होता है। आज चार चेले मिल गए तो फूल कर आदमी को पा हो जाता है, सोचता है मेरे जैसा और कोई भी नहीं है। उपाधियां ऐसी इतनी बड़ी बड़ी लगाते हैं कि पूछिए मत। सुनिए, इसलिए गुरु हो सारग्राही। चौथा निर्लोभी, लालची नहीं हो। जिसमें लालच है वह पक्का उसमें विकार भी होंगे। साहब ने एक बात कह दी, चलो चलो सबको कहे
अरे पहुंचे वडला कोय, पहुंचे वडला कोय बीच में दुर्गम घाटी दोए। सभी कहते चलो 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 चलो। अमर लोग साहब कह रहे चलो चलो, सबको गए पहुंचे वडला कोय। कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी दोए, ये दो अट्रैक्ट करती है, कनक रुपया पैसा, कामनी नारी। भौतिक संसार का सबसे बड़ा अगर विषय आनंद है तो संभोग, और उसका सूत्र नारी, इसलिए साहब ये बात बोल रहे हैं। दूसरा धन, सभी वैभव धन से प्राप्त हो जाते हैं, ये ऐश्वर्य के प्रतीक है दोनों चीजें। धन, धन से सब वैभव मिल जाते हैं, ये आकर्षित करते हैं। एक आत्मज्ञानी आत्मा में रहना जानता है तो उसको धन की आवश्यकता नहीं, वो जानता है कि ये सब माया है, वो अपने में आत्मनिष्ठ होता है। जब वो आत्मनिष्ठ है तो इन सब चीजों से वो किनारा करता है। एक सूफी आदमी शराब और नशे से किनारा करता है, जहलक अमल सभय आरामा, इसलिए एक तत्ववेता अमल परे रहता है। जैसे बड़बड़ा टंगलर में जो भी जहाज और शिप जाते हैं वो खींच करके, वो कुछ चुंबकीय ऐसी चीजें, इस तरह परमात्मा की तरफ जाने में दो चीजें अट्रैक्ट करती है। और कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। भक्ति क्या है? प्रेम। जहां आपका मूल ध्यान लग गया वहां आप हैं। ठीक है, साहब की वाणी में बड़ी उलझाव है ही नहीं है। कामी का गुरु कामनी, उसका 24 घंटे ध्यान स्त्री में, वही उसकी गुरु है। लोभी का गुरु दाम, लालची का 24 घंटे ध्यान ही पैसे में है। एक सेठ था, बड़ा लालची था, अजी सेठ की मृत्यु हो गई, उसको यमदूत ले गए धर्मराज के पास। धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त को, भाई सेठ का खाता खोलो, क्या क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे किए। चित्रगुप्त ने पूरा खाता खोलकर बोला, महाराज इसके तो बड़े आड़े टेढ़े काम है, ब्याज का धन खाता था, बेईमानी करता था, ठग था ये, इसको तो हजारों साल नरक में डूबना है। बोला धर्मराज ने कहा, देख भाई सेठ का कोई अच्छा चंगा काम भी है क्या? उसने बोला, महाराज एक काम इसका ठीक है, एक महात्मा को एक दिन भोजन खिला दिया था, इसके बदले 100 साल स्वर्ग में रहना है। धर्मराय ने सेठ से पूछा, सेठ पहले नरक में चलना है या स्वर्ग में? सेठ ने कहा, महाराज जहां 4 पैसे का फायदा हो पहले उधर ही भेज दो। देखा ये लालची, वहां भी उसने बोला जहां 4 टके का फायदा हो पहले उधर ही भेज दो। लोभी बड़ा खतरनाक होता है। साहब ने भी लोभी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया है। देखो कह रहे, कामी नर बहुते तरे, अरे कामी तर गए, वो काम वासना वाली भावना निकालकर प्रभु में लगा लेते। क्रोधी तरे अनंत, बड़े बड़े क्रोधी भी तर गए, पर लोभी बंदा ना तरे, कहे कबीर सिद्धंत। साहब कह रहे लोभी पार ही नहीं हो। मैं एक दिन का वृतांत बताता हूं, मेरे पास हर तरह के लोग आते। एक बार एक आदमी आया, मुझे बोला, महाराज मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं। मैं बोला, भाई किस बात का? बोला अमीर होने का। मैं बोला, मुझे सीखना ही नहीं है, मैंने अमीर होना ही नहीं है, मैं पैसा रखता ही नहीं हूं, एक सन्यासी हूं, धन नहीं चाहिए, किसी और को बताना। बोला मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बताया, जिंदगी में किसी को नहीं बताया, आपसे प्यार करता हूं, आपको बताना चाहता हूं। मेरे ख्याल आ गया, काफी कंगाल गरीब बड़े आते हैं, ये अमीर होने का फार्मूला बता रहा है, चलो सुन लेता हूं, किसी गरीब बड़े को बता दूंगा तो उसका कुछ काम बन जाए। उसने चारों तरफ देखा, धीरे से बोला, गुरुजी अमीर बनने का एक ही साधन है, पैसा आता है आने दो, जहां से आता है आने दो, निकालना नहीं। संगी।
स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। एक बार एक आदमी आया, मुझे बोला महाराज मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। मैं बोला भाई किस बात का? बोला अमीर होने का। मैं बोला मुझे सीखना ही नहीं है, मैंने अमीर होना ही नहीं है, मैं पैसा रखता ही नहीं हूँ, एक सन्यासी हूँ, धन नहीं चाहिए, किसी और को बताना। बोला मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बताया, जिंदगी में किसी को नहीं बताया, आपसे प्यार करता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। मेरे ख्याल आ गया काफ़ी कंगाल गरीबड़े आते हैं, ये अमीर होने का फार्मूला बता रहा है, चलो सुन लेता हूँ, किसी गरीबड़े को बता दूंगा तो उसका कुछ काम बन जाए। उसने चारों तरफ देखा, धीरे से बोला गुरुजी अमीर बनने का एक ही साधन है, पैसा आता है आने दो, जहां से आता है आने दो, निकालना नहीं। दुनिया है बेवकूफ, पैसा बहुत आता है खर्च कर देती है, तो कंगालिए खर्च नहीं करना है, आने दो। बंदे के पास करोड़ों रुपए आते हैं, सब मिटा के बैठ जाता है। स्त्री गए कि बच्चों के कपड़े फट गए, बोले अभी चलाओ बाद में ला दूंगा। अच्छा ठीक। बोले बीमार हो गया, अरे बोलो उसको चाय पिला देना ठीक हो जाएगा, बाद में दवा देख लेंगे। बोले जूता घिस गया, अरे अभी पहनो बाद में देख लेंगे। उसने कहा महाराज उलझुल कामों में आदमी पैसा लगाकर कंगाल बना हुआ है, पैसा निकालना नहीं है और बस पैसा रखना, अमीर ही अमीर है। मैं बोला दरिद्री तो हमारे इस दुनिया में भी दरिद्री, आगे भी दरिद्री, न इस दुनिया का सुख मिल पाएगा न उस दुनिया का, गंदा फार्मूला तेरा। हमारा फार्मूला तो ये है, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दम, दो ही हाथ उलीचिए या सज्जन को कम। ये तेरा फार्मूला बड़ा बेकार, इससे तू इस दुनिया में भी बदनसीब रहेगा, उधर भी तेरा कोई ठिकाना नहीं बनेगा। साहब तो बोल के गए, कहे कबीर कमाल से कमाए खाए लुटाए, कमा खा जो बच गया गरीबों को दे दे। तू मारे महालोभी कि औरत बीमार हो जाए तभी भी उसको दवाई नहीं करना है, बच्चे भूखे हैं कहे सब्जी लाओ, बोला आज दाल ही बना दो, इसी से काम चलेगा। वो ये फार्मूला बता रहा था। ये लोभी बड़ा खतरनाक होता है। साहब ने कहे भी तो दिया, तो चलो चलो सबको कहे पहुंचे बड़ला कोए, पहुंचे बड़ला कोए बीच में दुर्गम घाटी दोए, बड़ी दुर्गम घाटी है, दुर्गम कहते हैं जहां चढ़ के आदमी स्लिप खा जाए, कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी दोए, चलो चलो सबको कहे पहुंचे बड़ला कोए। इसलिए चेक करना गुरुजी में लालच नहीं हो, मुझे बहुत आश्चर्य लगता है एक भिखारी तो फुटपाथ पे बैठा हुआ है, चद्दर बिछा के कहता है दे दे भगवान के नाम तेरा भला हो जा, भिखारी वो एक फुटकर भिखारी है। आज दुनिया में थोक के भिखारी मुझे नजर आ रहे हैं, इंटरनेट पर मीडिया पर अपने अकाउंट नंबर बोलते हैं इस पर पैसे भेजो, वो वाह वाह वेरी गुड यार तुमने तरक्की की, इंटरनेशनल भिखारी हो। हमने किसी को कोई अकाउंट नंबर ही नहीं बोला है, हमने किसी से अपील ही नहीं की हमें पैसे दो, अपन मस्ती में घूम रहे हैं। ठीक है, कोई ध्यान बताने का पैसा मांग रहा है, कोई अंदर की ज्योति जगाने के पैसे मांग रहा है, कोई जिंदगी जीने के अंदाज के पैसे मांग रहा है, कोई कुछ मंत्र बताने का पैसा मांग रहा है, कोई समस्या का हल करने का पैसा मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। ये क्या है? ये महत्वाकांक्षा आ गई। ब्रह्मानंद का शब्द बड़ा सटीक है यहाँ पर, कोई हमसे पूछे यूं आकर, ब्रह्मानंद जी बोल रहे हैं दुनिया में तुमने क्या देखा, हम बतला देंगे यूं उसको सब मतलब का मेला देखा। हम मतलब के तुम मतलब के, ये मतलब के वो मतलब के, गुलस्तान में फूल खिला मैंने देखा मतलब का, जोगी देखे जंगम देखे, अरे पीले कपड़े वाले देखे पर गले में उनके हार पड़ा, हमने देखा मतलब का। वाह कह रहे हैं, जोगी देखे जंगम देखे पीले कपड़े वाले देखे पर गले में उनके हार पड़ा, हमने देखा मतलब का। वह दीद दिखा, आगे कह रहे हैं वह दीद दिखा दे तुक अपना तुक झलक, वह दीद दिखा दे तुक अपना जो खाली होवे मतलब से, तो ब्रह्मानंद कहेगा यूं आज मैंने खुदा देखा। जो आपसे कुछ चाह रहा है वो आपको कुछ नहीं दे सकेगा। ठीक है, साहब ने इसलिए कहा
चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, वो ही शान शाह हैं जाको नाही चाह कबीरा जाको नाही चाह। इसलिए जो आपसे कुछ चाह रहे हैं तो अपूर्ति है उनमें, वो अजाचक है, वो किसी से कुछ नहीं मांगता है, वो निर्लोभी है, वो सारग्राही है, वो तत्वदर्शी है। पांचवा सर्वज्ञ समस्त बोधो, कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना जाना जान। वो सर्वज्ञ ज्ञाता हो, आपकी शंकाओं का निराकरण कर सके। कहंता नर बहुते मिले गहनता मिला न कोए, वह कहंता बह जाने दे जो न गहनता होए कबीरा जो न गहनता होए। वो यथार्थ में सारग्राही हो, अमल भी करने वाला, ज्ञान बोलना बड़ी बात नहीं है, उस पर अमल करने वाला। कहंता नर बहुते मिले, अरे शुद्ध ज्ञान की बात कहने वाले बहुत मिल जाते हैं। हमारे यहाँ कॉलेज में एक प्रोफेसर था, सिगरेट पर बहुत ज़्यादा बोलता था कि नुकसानकारक है, फलाना है, ढिकाना है ये, और जब पीरियड ख़त्म होता था वो अपने उधर जा कर के सिगरेट पीता था। बच्चे लोग कहते थे देखो एक घंटा इसने बक बक किया सिगरेट पर और खुद पी रहा है। सर्वज्ञ का भाव है समस्त धर्मशास्त्रों को। सातवां छठा ईश्वर निष्ठ परमात्मा में मिला, जब वो परमात्मा में मिला है तो आपको अपना रंग चढ़ा देगा। ठीक है, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान, सद्गुरु मोर रंग रही चुनर मोरी रंगदारी। तो भाई गुरु ईश्वर निष्ठ होगा तो उसके पास भ्रंग मता होए जहे पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। भ्रंगा क्या करता है, कीड़े को पकड़ता है, अपनी आवाज सुनाता है, अपनी आवाज सुनाकर अपना तद्रूप बना देता है। इसलिए साहब बोल रहे हैं गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। उसके पास पारस मत है, वो आपको अपनी तरह बना देगा। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान, अपने समान बना देगा। ता गुरु की शरणागत लीजिए, ये है गुरु का महात्म। पानी पीजिए छान के गुरु कीजिए जान के। भ्रंगा किसी भी कीड़े को पकड़कर अपनी आवाज से ही उसे बदल देता है। 27 लाख किस्म के कीट हैं, किसी भी लार्वे को पकड़कर अपनी तरह बना देता है। एक वो है भ्रंगा जिसका फीमेल नहीं है, मेल मेल है, बाकी सब जगह भाई घोड़ा है तो घोड़ी है, गधा है तो गधी है, बैल है तो गाय है, तोता है तो तोती है, बकरी है तो बकरा है, जोड़ा है ना। भ्रंगा अकेला है, सिंगल, उसकी जनरेशन कैसे चल रही है। वो अपनी आवाज से किसी भी कीड़े को पकड़कर अपनी तरह बना देता है। इसलिए साहब बोल रहे हैं भ्रंग मता होए जह पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। जिसके पास भ्रंग की तरह बदलने की ताकत है वही गुरु सच है। पारस में आपको बदल देगा, वाह गजब का है भ्रंगा। इस पर साहेब ने बोला, फिर बोला, पुरुष रचनते नारी हैं, पुरुष है पुरुष है जे रचा ते बड़ला संसार। परम पुरुष ने आदि शक्ति को रचा, ये हुआ पुरुष रचनते नारी। आगे कह रहे नारी रचनते पुरुष, फिर आदि शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की, ये हुआ नारी रचनते पुरुष। फिर क्या बोले, पुरुषे पुरुषे जे रचा ते बड़ला संसार। पुरुष से पुरुष कैसे, गुरु जी जिसने नाम देता है अपनी तरह बना देता है, पहले वाला वजूद खत्म कर देता है, ये है पुरुष से पुरुष की रचना। तो भ्रंग न बता होए जह पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। गुरु बदल देगा आपको, सदगुरु मोर रंग रही चुनर मोरी रंग रारी, शाही रंग छुड़ाया दिया मजीठा रंग, मजबूत रंग दे देता है। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है,
प्रेम गली अति संकरी तामे द्विन समाय कबीरा तामे द्विन समाय, ये काम करेगा वो, ठीक है। इसलिए इतनी बड़ी महिमा है, बदल देगा आपको। गुरु मुक्त करेगा, क्या साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रमाण है? हां, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई कोटिन भांत करे, जो कोई आत्मा जकड़ी है, मुक्त मुक्ति जानने के पहले बंधन तो देखना है ना। ये आत्मदेव बंधा हुआ है, आपकी आत्मा कहीं घूमने नहीं चली गई है, इसी में तो है। जब भी व्यक्ति से पूछो कौन हो, वो बोलता है मैं लहर सिंह हूं, मेरी एक बीवी भी है, दो बच्चे हैं, मेरा माँ भी है, मेरी बाप भी है, मेरे भाई भी है, मैं ये काम करता हूं, ये परिचय कौन दे रहा है? ये परिचय देने वाली आत्मा है या कोई और बोल रहा है? क्योंकि ये परिचय आत्मा का नहीं हो सकता है, आत्मा की कोई बीवी नहीं है, आत्मा को कोई बच्चा भी नहीं है, आत्मा जन्म नहीं लेती है, आत्मा को कोई बाप नहीं है, आत्मा की कोई माँ नहीं है, आत्मा कोई काम नहीं करती है, आत्मा सबसे परे है। लहर सिंह में तो काम क्रोध लोभ मोह भी दिख रहा है, आत्मा में नहीं, जो खड़ा व्यक्तित्व तो बोल रहा है ये आत्मा नहीं हो सकता। तो बंधन जानना होगा, ये परिचय देने वाला आत्मदेव नहीं है। लहर सिंह को दुख भी है, सुख भी है, मोह भी है, ये परिचय आत्मा नहीं दिया। इसी में मुझ में रहकर मुझसे पर्दा, इसमें रहने वाली आत्मा जकड़ी हुई है, ये कौन परिचय दे रहा है? ये मन है। मन के चार रूप हैं, जब ये इच्छा करता है इसको मन कहते हैं, जब ये फैसला करता है इसे बुद्धि कहते हैं, जब याद करता है इसे चित्त कहते हैं, जब क्रिया करता है इसे अहंकार कहते हैं। इसका मतलब है मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों आत्मा नहीं है। और ये दिख रहे हैं व्यक्तित्व में, वृत्तियां भी दिख रही है, मन की पांच वृत्तियां वो भी दिख रही हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दिख रहा है, ये आत्मा नहीं हो सकता। और हुकूमत इसी की चल रही है, आत्मा दबा हुआ है इसमें, कहीं आपकी आत्मा घूमने नहीं गई, आत्मदेव दबा हुआ है और आत्मदेव इनका अनुकरण कर रहा है। क्यों? एक अज्ञान के कारण आत्मा ने अपने को शरीर माना, आत्मा ने अपने आप को मन माना, इसलिए आत्मा हर काम में इनका सहयोग दे रही है। साहिब ने मन के अंग पर बहुत कुछ कहा। गुरु जिस दिन नाम देता है उस दिन आत्म तत्व को चेतन करके अलग कर देता है, जैसे माता है, जैसे दूध दूध दधि माखन बिन मत भेद न घी का, दूध में सर्वत्र घी है, दही में घी है, लेकिन दिख नहीं रहा है, मंथानी से मतने से घी उजागर हो जाता है। इस तरह गुरु नामदान के साथ आपके अंदर के मन को उजागर कर देता है, फिर क्या होता है, मन का जोड़ नहीं चलता है, आत्मदेव चेतन हो जाता है। मन जाता है जाने दे, गह के राग शरीर उतरा पड़ा कमान से, क्या कर सकता तीर, आपको बदल देगा। अगर बदलाव नहीं आया तो फिर आप गुरु अच्छे के संपर्क में आए नहीं है, आप वैसे ही है तो कुछ नहीं मिला। पर यहां साहब आगे बोल रहे हैं, गुरु ये काम कर देता है, इसी क्रिया का नाम है नामदान देना। इसलिए गुरु के बिना हृदय शुद्ध नहीं होता, गुरु हृदय प्रकाशित कर देगा, ठीक है, हृदय प्रकाशित कर देगा, उसके पास ये बात है। गुरु सिकली कर कीजिए, मन है मस्कला दे, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डाले खोए। अरे भाई, जो कली गिरे सिकली कर, बर्तन की जंग उठाकर नया बना देते हैं, इस तरह गुरु तुम्हारे पूरे संस्कार बदल करके तुम्हें अपनी तरह कर देगा। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे या कर ले आप समान। पर यहां आगे साहिब कह रहे हैं, नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो है, ये क्रिया है सच्चा नाम, क्योंकि वो नाम चेतन है, हमेशा आपके साथ रहेगा, गाइड करता रहेगा, बताता चलेगा कि ये उचित है, ये अनुचित है, ये कृत्य है, ये अकृत्य है, ये करना ये नहीं करना। आप देख रहे होंगे नाम के बाद एक ताकत आपके साथ काम कर रही है। आगे कह रहे, आप सत्य जो है, तुम्हें भी सच होना है, ठीक है, अगर तुम सच नहीं हो पूरा गुड़ गोबर बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप मेरे प्रवचन का सार देखोगे, मैं आपको ज्ञान थोड़ी देना चाह रहा हूं, अभी मुझे आपको ज्ञान नहीं देना, दे चुका हूं। नाम के बाद देखना अंदर से पूरा ज्ञान मिल रहा है,
क्या उचित क्या अनुचित, क्या कृत है क्या अकृत है, ये अंदर से खबर मिलती जा रही है। जहाँ थोड़ा हैंकी पेंकी करते हो अंदर से सिग्नल मिलता है नहीं करना, ये गलत हो रहा है। वो ताकत अंदर से 24 घंटे आपको समझा रही है। आपको सिर्फ प्रिकॉशन बता रहा हूँ, बिगड़ना नहीं, सुरती फिर कुंद नहीं करना, हिदायत दे रहा हूँ, फिर तमस भक्ति में नहीं उलझ जाना, टोने टोटके में नहीं उलझ जाना, मैं यहाँ कंसंट्रेट हूँ। आपका काम बन चुका है शरणागत पक्की पकड़ना, यहाँ कंसंट्रेट हूँ, ठीक है। बाकी जो आपका काम होना था वो कर चुका हूँ, वो हो चुका है। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, क्योंकि आप कहे कबीर तू बसा भ्रम के देश, जहां आप रह रहे हो बहम का देश है। कहीं बुआ आ जाएगी सर में दर्द हो गया तो कहेंगे किया कराया है, कहीं माई को पेट में दर्द हो गया कहेंगे सस आ गई है। मजबूर करेगी तुम्हें आपको दुनिया के अनात्म भक्ति और तामस भक्ति भूत प्रेतों की तरफ उलझाने के लिए। यहां सावधान कर रहा हूं, ठीक है, कि इसमें नहीं उलझना। कहीं बीमारी भी लग गई तो कहेंगे ये चीज है, यहां सतर्क रहना। आपको हिदायत दे रहा हूं, प्रिकॉशंस दे रहा हूं कि आप यहां बचना। कहीं मंज दूध नहीं दिया तो आकर के फूफू बोलेगी, फुआ बोलेगी, बुआ कहेगी, ऊपर ही नुकसान है, साहेबंदगी में पहुंच गए, न देवी देवता भूया भवानी मानत जानत नहीं हो भैया, और ये सब बाहरी चीज है। तो इस दुनिया उलझी हुई है, आपका काम बन चुका, बस आगे आपको क्या करना है। आप शरणागत हैं, आपको योग भी नहीं दिया, भक्ति भी नहीं दी। भक्ति क्यों नहीं, आप गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ भक्ति कर ही नहीं सकता है। आपको तो शरणागत दी, भग भोगे भग भूपजे भोगी भग समाए, जो कोई भग को तजे सोई भक्त कहा है। 14 लोक बसे भगमाई, भग से कोई न्यारा नहीं। ये भक्ति है, ये भक्ति, भग का त्याग भक्ति है, विषय का त्याग भक्ति है। आपको बाल बच्चे आप नहीं छोड़ना चाहते घर परिवार, तभी भी आपको कहा शरणागति। और शरणागति आपको कैसे रहना है वो सुनो। इसलिए साहेब वाणी में कह रहे हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व अमृत हो। कैसे है फिर, आप खुद कैसे सच हो जाए, ये नहीं गुरु बताए पूरब को चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिली आए। फिर गुरु बिचारा क्या करे जो लोहा खोटा होए, और पारस बिचारा क्या करे, गुरु बिचारा क्या करे जब चेला खोटा होए, पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा होए। पारस से परसा नहीं तो रहा लोह का लोह। इसलिए आपका सच होना भी जरूरी है, यहां आपको सच करने की आवश्यकता पड़ी। गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तिरधारा बनी आगे गंगा एक, कबीरा आगे गंगा एक। आपकी शरणागति के फिर क्या है, शरणागत के खटगुण कहिए ताका ब्योरा याविद रहिए। इसके 6 नियम है, सिर्फ ऐसे ही नहीं कहना है साहब भरोसा भरोसा है। प्रथम विधि निषेध नहीं गुरु की सेवा, जो आज्ञा दी उसका उल्लंघन नहीं करना। दूसरा तन मन धन से गुरु की सेवा। तीसरा सुमरण जो गुरु दे बताई, सुमरे मन चित ध्यान लगाई, लगा रहे बनत बनत बन जाइए। अरे बच्चा भी लगा रहता है ना, लकीरें खींचते खींचते अक्षर का बोध हो जाता है। चौथा और कथाओं सहाय ने ढूंढा, सहारा और ढूंढना मत, सहारे और क्या करने, सहारा एक काफी है। पांचवा यह विश्वास उर्मे धारे, मो अस अधम नाथ मोय तारे, भरोसा रखे मुझे पार करेंगे। कहो कौन से बिन विश्वास है भैया, भरोसे के बिना कोई सिद्धि नहीं होती है। कर प्रतीत मिलाऊं तो ही। छठा अपने आप को गुरु को समर्पे, हृदय से समर्पित हो जाए, मुझे कुछ करना कराना नहीं है, बस तुम्हारी कृपा। एक आस विश्वास तुम्हारी, पड़ा द्वार में सब धारी, जय 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 गुरुवर की। अपने आप को गुरु को समर्पे, उसको कभम काल न दर्पे, वो कभी काल उसको पकड़ नहीं सकता है। गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तिरधारा बनी आगे गंगा एक, कबीरा आगे गंगा एक। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने हैं, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप होते हैं, यहाँ काम बन जाता का।
सत्संगी। स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। यक लोक व यक वेद दो दरिया के किनारे, सयाद के काबू में है सब जीव बिचारे। एक बात बड़ी अच्छी है, कम से कम आदमी मोक्ष की प्राप्ति की बात कर रहा है कि मैं बंधा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या सच में इंसान ने मान लिया कि मैं बंधन में हूं? मनुष्य ये बात सिद्धांत रूप से मान रहा है, वो कह रहा है मैं बंधन में हूं, तभी तो मुक्ति की बात उठी ना। पर यह बंधन इतना बुद्धिजीवी आदमी नहीं जान पाया, ये बंधा तो है। बिन रसरी सकल जग बंधिया, एक बात साहब कह रहे हैं, भाई बिना रस्सी के पूरी दुनिया बंधी। इंसान ने यह बात स्वीकार कर ली, मनुष्य ये मान रहा है हम बंधे हैं। अगर ये बात नहीं मानता तो फिर मुक्ति की बात क्यों कैसे करना था? जब इंसान मोक्ष की बात कर रहा है तो सिद्धांत रूप से ये मान चुका है कि हम बंधन में हैं। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही मोक्ष की प्राप्ति। इसका मतलब है कि हम सब बंधे हैं। पर बड़ा कौतुक है, कोई बंधन नहीं दिख रहा है। घर में पशु रखे हैं ना, कहीं गाय, कहीं भैंस, कहीं ऊंट, कहीं बैल, कहीं सांड, तो उन सबको बांधा जाता है। ये बांधना, इससे हम सब परिचित हैं। कभी गठरी बांधते हैं, कभी लकड़ी का गट्ठर बांधते हैं। बंधन की क्रिया को हम ठीक से समझते हैं। बंधे का मतलब है कोई भी चीज बंधी। आखिरी आत्मा रस्सियों से भी नहीं बंधी है, जंजीरों से भी नहीं बंधी है। एक भी बंधन आत्मा का दिख नहीं रहा है। दिखता तो बंधन आदमी कुछ ना कुछ यत्न करना था। बिन रसरी सकल जग बंधिया, ये कैसे बंधन है? इतना होशियार इंसान है, ये बंधनों को देखकर काट देना चाहिए था। आदमी के पास बड़े संसाधन, बड़े जरिए हैं, बड़ी लोहे की बड़ी बड़ी प्लेटें काट देता है, बड़ी जंजीरें काट देता है, ऐसे ऐसे यंत्र बने हैं, टैंके काट के उड़ा देता है। ये अपने बंधन नहीं तोड़ा पा रहा है, क्या वजह है? इसे बंधन नहीं दिख रहे भाइयों। ये बंधन ऐसे नहीं है, कैसे फिर बंधन है? मन ने बांध रखा है। मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तोहे राख भरमाई। कहीं कहीं थोड़ा बहुत ये मान्यता स्थापित भी हो रही, आदमी कह भी रहा है मन और माया के बंधन में है। आदमी ये बात स्वीकार भी कर रहा है। देखते हैं, थोड़ा मन को तलाशे जिसने बांधा है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, मन जीव को भरमावे सोई।
मन का कहा न कीजिए कोई, मन ही आहे काल कराला। जीव नचाए करे बेहाला। थोड़ा मन को देखते, ये बड़ा विशाल है, इसी ने आत्मा को भ्रमित किया। जब भी किसी आदमी से पूछो कौन हो, तो वो बोलता है मैं लहर सिंह हूं, मैं फैक्ट्री में काम करता हूं, मैं फलाने गांव का रहने वाला हूं, मेरे दो बच्चे हैं, मेरी शादी भी हो गई है, मेरे माता पिता है, मेरे इतने भाई है। वो अपनी पहचान बता रहा है इस तरह। सवाल उठा, जो ये पहचान बताने वाला है ये कौन है, आत्मा है या मन है? पहली बात तो आत्मा का न कोई माँ है न बाप है, न जन्मती है मरती है, स्त्री भी नहीं है पुरुष भी नहीं है। लेकिन लहर सिंह बोल रहा है मेरी माता भी है पिता भी है, मैंने शादी भी की है, मेरे दो बच्चे भी है। लहर सिंह ऐसा बोल रहा है। और एक तरफ शास्त्र कह रहे हैं आत्मा स्त्री भी नहीं है पुरुष भी नहीं है, जन्मती भी नहीं है मरती भी नहीं है, न इसका कोई माँ है न इसका कोई बाप है। जब ये स्त्री और पुरुष दोनों से परे है तो स्थूल सृजन से इसका कोई मतलब नहीं। थोड़ा सा चिंतन करते हैं। ये जो जवाब दे रहा है लहर सिंह, ये क्या है? जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है इसमें क्या है दिख रहा है? हाँ, मैं पहला लहर सिंह ये बोल रहा है, कि मेरा नाम लहर सिंह है, मेरी माँ है मेरे बच्चे भी हैं। ये कैसे पता चला? मेमोरी से। तो भाइयों, मन के चार रूप हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जो आदमी अपना परिचय दे रहा है ये कंप्लीट मन है। जब व्यक्ति के व्यक्तित्व की तरफ झांकते हैं तो इसमें चार चीज दिखती है, मन के चार रूप है, चारों दिख रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इस ये मन जब इच्छा करता है इसकी संज्ञा मन है, जब निश्चय करता है इसे बुद्धि कहते हैं, जब याद करता है इसे चित्त कहते हैं, जब क्रिया करता है इसे अहंकार कहते हैं। इन चारों का उल्लेख है, ये सूक्ष्म इंद्रियां भी कहलाती है। मन का काम है इच्छा करना, तो व्यक्ति में इच्छा है। आत्मा संकल्प विकल्प से परे जब निश्चय करते हैं, ये बुद्धि है। देखो, व्यक्तित्व में फैसले की ताकत भी है ना, क्योंकि फैसलों से पता चल रहा है ऐसे फैसले आत्मा नहीं कर सकती। एक कत्ल करने जा रहा है, वो भी तो फैसला कर रहा है ना, कि ऐसे ऐसे मारूंगा, बंदूक ऐसे चलाऊंगा, ये भी तो फैसला है ना। जो चोरी करने जा रहा है उसने भी तो फैसला किया है ना, कि रात को जाकर ताला ऐसे ये चाबी लगाऊंगा, इस तरह से लॉक तोड़ूंगा, इस तरह से अंदर जाऊंगा, पैसा उठाकर ऐसे भागूंगा, ये फैसला ही तो है ना। क्या इस किस्म के फैसले हमारा आत्मदेव करेगा? अगर आत्मदेव ऐसे फैसले करता है तो इसको निर्मल नहीं कह सकते। भाई, गांव घर में भी आप देखते हैं अच्छा और बुरा आदमी हम किस का मूल्यांकन कैसे करते हैं? भाई, उसके कर्म के अनुसार तो करते हैं। अगर ठगी छल कपट लड़ाई झगड़ा मारपीट गंदे काम कर रहा है तो हम उसको पुकारते हैं, ये भाई आदमी ठीक नहीं है, ये मूल्यांकन उसके कर्मों के द्वारा हुआ। और कुछ आदमी हमेशा किसी के भले में तत्पर रहते हैं, दूसरे का उपकार करते हैं, मन वचन कर्म से किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, शील हैं, हमदर्द हैं दूसरे के लिए, शांत स्वभाव हैं, ईमानदार हैं, परमार्थी हैं, हम उनको कहते हैं अच्छा है। ये अच्छे बुरे का मूल्यांकन हमने कर्मों से किया, आत्मा को निर्मल कहा। अगर आत्मा ऐसे आड़े टेढ़े काम कर रही है तो इसको निर्मल फिर कैसे कह सकते हैं? ये बुद्धि है, ये मन का एक रूप है जो फैसले ले रही है। भाई, तीसरा है चित्त। चित्त क्या है?
इसी चित्त से याद है ना कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ये घर है, इसकी अनुभूति कौन करा रहा है? चित्त करा रहा है। चित्त भी आत्मा नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार से आत्मा सर्वथा परे है। अहंकार जो अनुभूति ओन सेल्फ, हम हैं कैसे, ये इंडिविजुअलिटी का बोध, व्यक्तित्व का बोध जो हो रहा है, ये अहंकार है। ये चारों मन है, जो एक्टिविटी है ये भी मन है, जो संकल्प है ये भी मन है। तभी तो साहब कह रहे हैं तीन लोक में मन है विराजी, ताहे न चीने पंडित काजी। देखा मन कितना बड़ा, मन बड़ा निराला है, बड़ा विशाल है, इसके काम करने का तरीका बड़ा अजीब है। हर आदमी मस्तिष्क के द्वारा काम कर रहा है, आदमी सोच रहा है मैं शरीर हूं, मस्तिष्क हूं, प्रमुख हूं, शरीर में मस्तिष्क प्रमुख है। बंधु हकीकत यह है कि मस्तिष्क मन का एक रूप है। मन का क्यों रूप है? मस्तिष्क का संचालन मन करता है, पर यह मस्तिष्क भी नहीं जान पा रहा है। मन कैसे शरीर का संचालन कर रहा है ये आदमी नहीं समझ पा रहा है। मन फौरन तरंगे देता है, सुषुम्ना के अंदर बस रहा है, वहां से ब्रेन को तरंगे देता है, ब्रेन काम करने लगता है। हमारे शरीर में पांच तत्व हैं, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, इसी से छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व को अधम शरीरा। हमारे शरीर का संचालन इससे हो रहा है, पांचों तत्व से हो रहा है। पांच तत्व उजागर हैं, दिख रहे हैं। पहला पृथ्वी तत्व, इसकी पांच प्रकृतियां हैं, हार्ड मांस त्वचा रोम नाखून, ये पृथ्वी है, देखो सबको है। जल तत्व रक्त मूत्र खून पसीना थूक बीर्ज, रक्त पसीना मूत्र थूक बीर्ज, ये पांचों जल तत्व है, देखो सबके शरीर में व्यापक है। शरीर के अंदर वायु तत्व भी मौजूद है, सुकड़ना पसरना बोलना सुनना बल लगाना वायु तत्व है। और अग्नि तत्व भी मौजूद है, पांच प्रकृति है, भूख प्यास आलस्य निद्रा जम्बाई, देखो सबको है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि आकाश तत्व, पता चल रहा है। पांचों तत्व शरीर में काम कर रहे हैं, पर इनका केंद्र कहाँ है, किस पॉइंट पर बैठकर ये संचालन कर रहे हैं? अरे भाई, भारत का प्रधानमंत्री देश का संचालन कर रहा है, दिल्ली उसकी राजधानी है, वहां से वो देश को संचालित कर रहा है। इस तरह पांचों तत्व शरीर में संचालन कर रहे हैं, और इनको मस्तिष्क कंट्रोल करता है, और मस्तिष्क मन है। इसलिए साहेब वाणी में कह भी रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है, ये मन है। पांचों का केंद्र है, पांचों तत्व का, आकाश तत्व गुदा स्थान पर स्थित है, जल तत्व मूत्र इंद्री के पास, वायु तत्व नाभि में, अग्नि तत्व मुख में, आकाश तत्व सुषुम्ना में, वहां है। इसलिए आकाश तत्व में ही मन है, आकाश शून्य, वह गुप्त भयोपन संग सबके मन निरंजन जानिए, शून्य गुफा निवास की नो भेद लहे को ताहे को। मन शून्य में रमा है, इसलिए वहां दिख नहीं रहा है। अंधेरे में आदमी बातचीत करे तो बात समझ में आती है, लेकिन कौन है ये नहीं दिख रहा है। सुखमन मध्य बसे निरंजन मुंदा दसवां द्वारा, यहां पर मन बैठ करके अपना कार्य कर रहा है बड़ा बारीकी से। इसलिए मन को कोई चीन न पाए, ना नाश नशाए, जो कोई कहे मन को देखा इसकी रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा, संतो मन का करो विवेका। ये मन बैठा हुआ है, पूरी प्रक्रियाएं मन कर रहा है। मन जागे मन सोए, मन हंसे मन रोए, मन लेवे मन देवे, मन ही सूरमा मन ही कायर, मन ही कृपण मन ही दानी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, और तीन लोक में मन है विराजी, इसे न चीने पंडित काजी। बड़ा सूक्ष्म है, मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे, जो कोई कहे मैं मन को देखा इसकी रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा, संतो मन का करो बेका। बहुत बारीक है, बाजीगर का बांद्रा
ऐसा जीवन साथ नाना राश नचाए के राखे अपने हाथ। ये पूरा अपना काम कर रहा है। अब आत्मदेव का क्या कर रहा है? इसलिए जो मित्र है वो भी मन से है, शत्रु है वो भी मन से, मित्र मन से क्यों है? बुद्धि ने बताया इसने हमारे साथ अच्छा किया है, तो चित्त ने याद दिलाया और हमने उसको मित्र बना दिया। मन ही शत्रु बनाता है, कोई आपका कार्य में व्यवधान डाला, एकदम बुद्धि बताती है तुम्हारे नुकसान का काम किया, बस शत्रु बना। इसलिए मित्र शत्रु सुख दुख की अनुभूति भी बुद्धि से है, ये सब मन है। बहुत जटिल है मन, बड़ा डीठ भी है मन, नेचर से मन अच्छा नहीं है, इसकी वृत्तियाँ ठीक नहीं है। फूल महकते हैं, विष्ठा में दुर्गंध है, ये उसकी वृत्ति है। आग तपिश देती है, ये इसकी वृत्ति है। जल में शीतलता, ये इसकी वृत्ति है। वायु में स्पंदन, ये इसकी वृत्ति है। इस तरह मन की वृत्ति खराब है, इसकी 5 वृत्तियाँ हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मन की वृत्तियाँ व्यापक रूप से ये सबके अंदर विद्यमान है और ये अपना अपना काम कर रही है। इनमें से किसी को भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये आत्मदेव यहाँ बहुत परेशान है, मन नचा रहा है, मन बहुत तगड़ा है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ भोले भाले लोगों को नचा रहा है, बड़े बड़े धुरंधरों को, ब्रह्मादि शिव शंकादि अजसुर काल के गुण गा वहीं, ये सबको नचा रहा है। बहुत ताकतवर है, इसने जकड़ा है आत्मा को। चेतन स्वरूप नहीं आत्मा, इस शरीर में ऊर्जा दे रही है। कौन से काम कर रही है आत्मा? जो बंधन में है वो मुक्त नहीं है, पराधीन होता है। और पराधीन सुख सपने नहीं, जो पराधीन है उसे सुख मिल नहीं सकता। इसलिए मन इससे सिर्फ सांसारिक कार्य करा रहा है। आप देखो कोई भी आदमी आत्मा के लिए सहिष्णु है क्या? जिसे भी देखो पेट के धंधे में लगा हुआ है, जिसे भी देखो भौतिक सुख चाहता है, जिसे भी देखो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा है। ये तन तो मन है। आत्मा का किसी को कोई स्मृति नहीं, आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है। थोड़ा बहुत लोग अब अगर कहीं थोड़ी बहुत चेष्टा भी कर रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं कि आत्मा के लिए सोचे, इतने में मन और विचारों में उलझा देता है। जान जान कर उस समय दुनिया भी चीज़ें याद दिला देगा, कोई घटनाएं याद दिला देगा। यानी शरीर के अंदर मन का वर्चस्व और हुकूमत पूरी पूरी चल रही है। जो जो भी मन कह रहा है मनुष्य कर रहा है, और मन समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही ताकतवर है। जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाश नचावन लेई। अरे जैसे बाजीगर को बंदर, जो बंदर को बाजीगर, जो चाहता है नाश नचाता है, इस आत्मदेव से यही सभी काम मन करा रहा है। आप देखो ना दुनिया के लोगों का कर्म देखकर वो मानवीय ही नहीं लग रहा है, आत्मीय तो छोड़ो मानवीय भी नहीं लग रहा है। आज हम बहुत ही जटिल युग में जी रहे हैं, जिसमें ठगी छल कपट धोखा 400 BC जीवन का अंग बन चुका है। हम सब ऐसे युग में जी रहे हैं। तो बंधुओं, मन जीव को भरमावे से कितना ताकतवर है। जन्म जन्मांतर से, अनंत जन्मों से ये मन भ्रमित कर, क्या दुनिया ये जानती है? मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, कथाओं में, पुराणों में, शास्त्रों में, भागवत आदि में हम पढ़ते हैं कि फलाना ऋषि तप करने गया, क्रोध आ गया और उसकी तपस्या भंग हो गई और भस्म कर दिया राजा सगर के 60,000 पुत्रों को। कामदेव आया, आकर के उसने अपना कमाल दिखाया और पराशर का तप नष्ट कर दिया, श्रृंगी ऋषि को भ्रमित कर दिया आदि आदि। पर कोई ये सोचता नहीं कि ये शैतानी ताकतें तपस्या भंग क्यों करती है आकर। इसका मतलब सीधा सा है कि जब भी ये जीव अपने आत्मा के कल्याण के लिए बढ़ता है, ये सब रुकावट करते हैं। गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे हैं, जी विषय तजे जीव जब राया, विघ्न अनेक करत तब माया, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे थाना, इंद्रिन स्वर्ण ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। हमेशा ये इंद्रियों के अंदर रहने वाले देवता है, वो अपने आत्मा को विषयों की तरफ खींच रहे हैं। बहुत जटिल स्थिति में ये जीव है। बहु बंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जुनून छुड़ावे भी। आप नहीं देख रहे हैं जन्मना मरना ये प्रोसेस कितना जटिल है। मात गर्भ में त्रिताप को प्राप्त करता है, आपके अनंत जन्म हो चुके हैं, ये बहुत ही कठिन प्रोसेस है। माता के गर्भ में कितना कष्ट मिलता है, ओंधे मुंह लटका होता है, मलमूत्र की थैलियां माता के भी गर्भ में है, उससे मुंह सटा होता है और जठराग्नि का कष्ट मिलता है। त्रिताप कुंभी नरकों से भी भयावह है, दुख है शरीर के अंदर। Oh।
सत्संगी संगी।